मैं रोजिया दे विच ना क्योंकि दाढ़ी दूढ़ी रखी दी है कम नहीं ना हुंदा ना शेव करी दी है असी मैं अपने घर दे बाहर बैठा होया उत्थे दो लड़के आए कहंदे यार तस्वीरां बनानी मैं क्या यार मैं शेव नहीं की हुई तो दाढ़ी च मैं कभी तस्वीर लवाइया नहीं है तो वैसे ही रखी है कि कम ही नहीं है कोई मैं चलो फिर कभी बनवा पाइन फिर तुम साढ़े कभी उत्थे लगना मैं यही घर है मेरा इतने ना इतने जुम्मा पढ़ना मैं नाल मस्जिद से मैं किसी वे मुलाकात हो जाए खैर जी वो एक दो आर्टिस्ट भी बैठे से रात में तो उत्तों आवाज आई सैरी टाइम के भी सैरी तैयार हो गई वो असी उठे तो वो मुंडे चले गए काफी देर पहले असी उठे कुर्सियां चुक रहे हैं तो भी तू सैरी करनी बच्चों दो तीन आर्टिस्ट ने कहा हाँ मैं भी करनी मैं कहो ज्यादा बनाओ तो वही कुर्सियां चुक एक शापर बैग पे मैं क्या यार शापर के तेरा तेरा होगा मेरा नहीं मेरा नहीं मैं खोलो से खुलिया तो सात सूट तीन सूट जो सन बगैर पैक सन बाकी तीन चार सूट जो पैक सन वन बाई वन किसी ने यार जो मुंडे आए उन्होंने तो नहीं लगता उन्होंने चलो मैं कहता रहा छे महीने लंघ गए इस गल मेरा ताए का बेटा वाला मैंने कहता यार राज कि खोल देना कहता यार फिर सूट एक मैं बना लेना एक तू बना लाया उन्होंने वंट देने पता नहीं किसी ने मैं यार अच्छा चलो मैं दो तू लैला दो मैं चल पे रहते फिर साल डेढ़ साल हो गया सूट पे ठीक है उदास आए थे गल बिल्कुल एक दिन मैं जुम्मा पढ़न गया लाल मस्जिद मैं जुम्मा पढ़ के आ रहा तू पंज मोटरसाइकिल रुकी थे दो मुंडे उतरे मैंने कहते भाई अज नहीं तुम जाम देना अज नहीं जाम देना अच्छा तस्वीर लवानी उदो भी तुम क्या मैं उदो कदों कहना याद है भाई रोजिया च आए थे क्या फिर कभी बनावे तो असं उ मुंडे डेढ़ दो साल हो गए भाई सूट रोल रहे कभी इधर मैं इधर आओ जो रोजिया इतने कहते हाँ जी भाई असं उदो असी मैं कोई चीज डिगी सी या तुम्हारी कोई चीज गुआची से कहना हाँ जी भाई साढ़े सूट सन तो पता नहीं कितने रस्ते डिग पे कितने डिग पे मैं क्या एक सूट का कलर दसो कि गल तो काफी पुरानी हैगी बहरहाल सत सूट सन सानू इन्ना याद है मैं उन्होंने लिया अंदरों सूट कढ़े मैं क्या चेक करो उन्होंने सूट देना भाने ही साढ़े सूट मैं क्या लो यार सामभ सामभ के मैं क्योंकि मैं कुराने मजीद की एक आयत का उर्दू तर्जमा सुनया कि अगर तुम्हें किसी की बड़ी चीज मिले तो उसे पड़ी रहने दो नहीं अगर तुमने उठाई है तो मशरक से मगरब तक मगरब से मशरक तक उसको ढूंढो और उसको दो वरना वही पड़ी रहने दो समझो तो तुम्हारे हक में बेहतर है बहुत अच्छा।